Hey everyone, welcome back to my channel. तो बस हम लोगों को ना बहाना चाहिए घर से बाहर निकलने का, तो हम लोग निकल गए थे बाहर और आ गए थे विशाल मार्ट। बगल में यहाँ पर है SBI बैंक और है डॉक्टर केन कौशल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे मॉल के अंदर। एक्चुअली बहुत सामान नहीं लेना था, लिटरली बताऊँ ना बहुत ही छोटा सा सामान था जिसकी वजह से हम लोगों को आना पड़ा। मेरी मम्मी ने बना डाले हैं ढेर सारे अचार और घर में हो गए हैं डिब्बे खत्म, तो जिसके लिए ना हम लोगों को भेजा गया कि हम लोग जा करके ना एक एयर टाइट डिब्बा लेकर गया जिसमें वो स्टोर करके अपने अचार को रख सके सेफली। तो हम थे और मेरी दीदी थी, हम दोनों लोग आ गए थे डिब्बे खरीदने के लिए। और यहाँ पर आकर के ना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली शॉपिंग करने का काम जो है ना इन सारी चीज़ों का वो मम्मी का ही है। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे ऐसा गृहस्थी टाइप का कुछ सामान लेने के लिए। हाँ, माना कि हम लोग अकेले अकेले हर जगह रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बताऊँ तो मैंने नहीं की थी, तो ये जिम्मेदारी थी कंधों पे जो कि हमने पूरी की। और आपको बताऊँ ना, एक लिया जो कि ठीक था और घर पहुँच गए हम लोग। और ये तो दो बच्चे हैं ना, आप देख रहे होंगे मेरे साथ सिस्टर जो है मेरी चेंज हो गई, क्योंकि फिर हम लोग ना बड़ी वाली को ड्रॉप किए घर पर और घर से लिया छोटी वाली सिस्टर को और आ गए थे ना डॉक्टर के पास। और ये बताओ ना, पापा भी वहां पर पहुंच गए और ये हम लोगों के लिए था सरप्राइज, क्योंकि पापा ने कहा था जाकर के अपनी आंखें टेस्ट करा लेना, क्योंकि ना मेरा चश्मा जो है वो मिस हो गया था। और पापा बिन बताए आ गए वहां पर, तो हम लोगों को देख करके थोड़ा सा वो हुआ कि मतलब बताओ ये बताए नहीं और आ गए अचानक। हम और सिस्टर गए हुए थे रिक्शे से और पीछे से आ गए पापा भी कचेरी से। पापा को थोड़ा सा ये लगा था कि ये लोग पता नहीं ठीक से करा भी पाएंगे या फिर नहीं। अभी भी ना बताऊं तो हम लोगों को पापा मेरे छोटा ही समझते हैं, भले हम लोग अपनी एक एक गृहस्थी संभाल रहे हैं पर माँ बाप के लिए बच्चे जो है हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो बस हम लोग पहुँच गए थे और एक एक करके ना सभी ने मौका देख करके, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो एक एक करके ना सभी ने अपनी आँखें टेस्ट कराई। सारा काम खत्म करके हम लोग आ गए घर वापस, चश्मा बनवा करके और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो, और अभी यहाँ पर बन रहा है बड़ा। क्या बन रहा है? बड़ा। सिद्धि की डिमांड थी ये बड़ा बनाने का, तो मम्मी बना रही हैं बड़ा। और साथ में ना चाय नहीं बनाई, घर भी बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब बड़े और उसका मैंगो शेक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट मैंगो शेक ही बनाया। और फिर साथ में बैठ करके हम लोगों ने ना ये सब नाश्ता वगैरह किया और बच्चों का क्या ही बताया, एकदम फुल मस्ती चल रही है, वैकेशन इंजॉय हो रहे हैं और हम लोग भी फैमिली के साथ बैठ करके फिर ये खाए बड़े। और इसको ना दही बड़े का रूप देना था बट लेकिन दिया नहीं, वो ये ना ऐसे ही खा के हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। सिरका मस्त घर का बना हुआ था, एकदम देसी स्टाइल में नाश्ता किया जो कि बहुत ही अच्छा था माँ के हाथों का खा करके। और ये ना सिद्धि की डिमांड थी जो सिद्धि की नानी ने फुलफिल की। और फिर उसके बाद रात का टाइम हो गया था, डिनर ज़्यादा कुछ नहीं किया, हल्की सी खिचड़ी वगैरह खाई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ना हमें ज़रूर बताना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपना ख्याल रखें अपनों का। बाय।